उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के सुभाष नगर वार्ड में हजारों का सामान चोर चुरा ले गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर का है, जहां चोरों द्वारा कार रिपेयरिंग सेंटर से हजारों का सामान पार कर लिया गया। दुकान स्वामी का आरोप है कि जानबूझकर दुकान में काम करने वाले एक मैकेनिक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जब उसे इस घटना की जानकारी मिली तो उसने तत्काल इलाकाई पुलिस को सूचना दी। दुकान स्वामी की अगर माने तो चोरों ने लगभग 80,000 का माल पार कर दिया है। से ये कि शाम को मैं 6 बजे दुकान बंद करके चला गया झांसी, काम था मुझे, तो फिर मेरे पास 8 बजे दुकान वाले का फोन आया, मालिक का, बोले कि आपकी दुकान से आवाज आ रही है जैसे कोई सामान ले जा रहा हो। तो उनके घर में केवल बच्चे के लिए थी, तो मैंने कहा एक बार देखिए आप, तो वो बोल रहे हैं कि अभी बच्चे के लिए वो बाहर नहीं निकलेगी, आप किसी को भेज दीजिए। तो मैंने अपने एक पर्चे वाले को यहाँ पे भेजा, तो जब तक वो जा चुका था, सब लोग सब कुछ लेके निकल चुका था। तो इसके बाद अभी मैं दुकान ओपन करके देखी, तो उसमें देखा ना कुछ सामान था, उसमें ऑयल की कट्टियाँ थी मेरी, वो सारी गायब है, इंजन गायब है, इस गाड़ी का पूरा इंजन ले गया, सारी चीज़ें वो चोरी करके ले गया। वो मेरे मिस्त्री है, वो मिस्त्री सारा 50-60 हज़ार रुपये के समथिंग का सामान था। रात में मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया 1:30 बजे रात में, जब मैं झांसी से वापस आया तुरंत। तो इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन देना पड़ेगी, एप्लीकेशन अभी मैं देने जा रहा थोड़ी देर में, और वो सारा सामान ले गया। और उसने ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना बताया, ना कुछ किया। रात में मैंने उसको फोन किया, फोन से चौप जा रहा था उसका बराबर, और वो सामान लेके पूरा चला गया। क्या तो पुलिस को अब तक नहीं? मेरा यहाँ सिंह ट्रेलर सैनी के बगल में, जब मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ तो इनकी एक शटर ताला खुला हुआ था, अब उसमें से चोरी हुई है। मैंने इनको सूचना दी है, ये लोग तुरंत आए। इनका करीब करीब शायद बता रहे हैं 80-90 हज़ार का माल गया है। इनके उपकरण थे, वो टूल वगैरह थे और ऑयल वगैरह था, ड्रम वगैरह थे, काफ़ी सामान था इनका। नहीं, अभी तक नहीं आई। पुलिस को सूचना दे दी गई थी? हाँ, इनके द्वारा भी पुलिस को।